हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू BMR स्मार्ट लर्निंग। आज मैं आपके लिए क्लास 10 सेतु अभ्यासक्रम यानी ब्रिज कोर्स की हिंदी की टेस्ट नंबर 3 लेके आया हूँ, जो कि ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है। तो जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं सीधे। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 है, पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो मैं यहाँ पे परिच्छेद पढ़कर आपको बताता हूँ। पहले मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं, हमारे फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बंद गई। कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठे, तरह तरह के साग, नाना प्रकार की मिठाइयाँ। चमनलाल लखनऊ गए थे तो टोकरा भर करेले ले आए, क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे। बंजी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीज़ों के लिए जगह न के बराबर मिलती थी, इसकी कोई चिंता नहीं। दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छिन गई थी, नाना खाना भी हराम हो गया था। बड़े परेशान, करें तो क्या करें, समझ में नहीं आता था। जी करता था किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूँ और फिर उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचूँ, किंतु उसमें लोगों की अमानत जो बड़ी थी। तो ये है हमारा परिच्छेद और इस पे हमें पूछे गए हैं कुछ प्रश्न। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला है, आकृति में लिखिए रेफ्रिजरेटर में रखी गई चीज़ें। तो रेफ्रिजरेटर में रखी गई 4 चीज़ें हमें यहाँ पे इस बॉक्स में लिख के बतानी है। तो इसमें आएगी रोटी, पराठे, तरह तरह के साग, मतलब यहाँ पे सिर्फ साग लिख देते हैं, और मिठाइयाँ। नेक्स्ट है, फ्रिज में पड़ी थी। तो फ्रिज में कौन सी चीज़ पड़ी थी ये यहाँ पे बताना है हमें। तो फ्रिज में पड़ी थी लोगों की अमानत, जो पैराग्राफ की सबसे लास्ट लाइन में बताया गया है हमें। थर्ड में है, नमन लाल लखनऊ से टोकरा भर भर यह लाए। तो नमन लाल लाए थे करेले। लास्ट है, चिंता चेतना की चिता जलाती है, इस पर अपना मत लिखिए। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार आएगा, चिंता ने चेतना की चिता सजा दी से यह तात्पर्य है कि चिंता के कारण मनुष्य चेतना खो देता है। चिंतित व्यक्ति हमेशा खुद दुखी रहता है। चिंता के कारण मनुष्य की बुद्धि कुंद हो जाती है, क्योंकि वह चिंता के कारण चिंतन करना छोड़ देता है और चिंतन का अभाव उसकी चेतना के लिए चिता के समान बन जाता है। चिंता के कारण मनुष्य की विचार करने की शक्ति समाप्त हो जाती है, और जहां मनुष्य की विचार शक्ति समाप्त हो जाती है वह सोचना विचार करना छोड़ देता है, इसी कारण उसकी चेतना की चिता लग जाती है। तो ये रहा 4th का आंसर। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो उस परिच्छेद पे बेस्ड था वो समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गाठ में तब लगी ताको यार, तब लगी ताको यार, यार संग संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। यह गिरिधरी कविराय जगत का ये ही लेखा। तो ये हमें इस प्रकार पद्यांश दिया गया है और इस पे आधारित हमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं नीचे। तो यहाँ सबसे पहले है, कृति पूर्ण कीजिए। पैसा पास होने पर मित्रों का व्यवहार। तो यहाँ पे दो प्रकार का हमें, दो बॉक्स में हमें यहाँ पे व्यवहार लिखना है मित्रों का, जब हमारे पास पैसा होता है तब, जो हमें इस कविता में बताया गया है उस प्रकार। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार आएगा, मित्र बनाते हैं, और दूसरे बॉक्स में आएगा साथ साथ रहते हैं। सेकंड में पूछा गया है, पैसे खत्म होने पर मित्र का व्यवहार। तो पहले बॉक्स में आएगा छोड़कर चले जाते हैं, और दूसरे बॉक्स में आएगा बात नहीं करती। थर्ड में है, दुनिया के व्यवहार का तरीका, जो इस कविता में बताया गया है वो होगा इसमें। तो इसका आंसर आएगा मतलब का। फोर्थ है, स्वमत लिखो, सच्चे मित्र की पहचान कैसे करोगे। तो इसका उत्तर होगा,
सच्चे मित्र की पहचान हमेशा विपत्ति के समय ही होती है। जो मित्र विपत्ति के समय आपको छोड़कर न जाए बल्कि आपका साथ दे, उसे ही अपना सच्चा मित्र माने। जो मित्र विपत्ति में आपको छोड़कर चला जाए वह आपका सच्चा मित्र कभी नहीं हो सकता। ऐसे मित्र शत्रु से भी ज़्यादा घातक होते हैं। सच्चा मित्र वही है जो आपका साथ खुशी और दुख दोनों में दे। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित परिच्छेद दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो परिच्छेद में आपको पढ़ के बताता हूँ, 10:30 के करीब काम वाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई। बैठक बुहारते हुए उसकी नज़र सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह बुदबुदाई, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। तो इस परिच्छेद पे हमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला है लिखिए। तो इसमें हमें पूछा गया झाड़ू पोछा लगाने वाली, झाड़ू पोछा लगाने वाली होगी काम वाली कमला। और सेकंड है घोड़े बेचकर सोने वाला, तो इसका आंसर होगा सोनू। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पर उससे पहले अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करना ना भूले। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में है कमला ने सोनू को जगाने के लिए किया। तो कौन सी दो चीज़ें कमला ने सोनू को जगाने के लिए की, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आएगा सोनू को हिलाया और उसकी टांग पकड़कर सोफे के नीचे से बाहर घसीटा। आगे देखते हैं। आगे है पंछी प्राणियों को पिंजरे में बंद रखने के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर होगा पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उसकी स्वतंत्रता का हनन होता है, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति तो उड़ना है। अतः प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में पृथ्वी के सभी जीवों का समान रूप में महत्वपूर्ण भूमिका है। पृथ्वी के पर्यावरण के संतुलन के लिए मानव और पशु पक्षी दोनों की आवश्यकता समान रूप से है। पक्षियों को कैदी बनाने से उनकी उड़ने की आज़ादी समाप्त हो जाती है, इससे पर्यावरण प्रभावित होता है। पर्यावरण की शुद्धता कायम रखने के लिए पक्षियों को प्रकृति के मध्य रहना आवश्यक है। वे इसी प्रकार पर्यावरण को संतुलित एवं शुद्ध बनाते हैं। पर्यावरण में पक्षियों का अपना विशेष महत्व होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और ऐसे नए नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।